विश यादव के सपोर्ट में आए विकास दिव्य कीर्ति सर। जी हाँ दोस्तों, विकास दिव्य कीर्ति सर को कौन नहीं जानता, जो दोस्तों पढ़ाई कर रहा है वो हर स्टूडेंट दोस्तों विकास दिव्य कीर्ति का फैन होगा। जी हाँ दोस्तों, विकास दिव्य कीर्ति लिखते हैं, थोड़ी सी टीआरपी के लिए किसी के माँ बाप को ऐसे टीवी पर देखा ना जैसे उनका बेटा किसी बड़ा गुनहगार हो, सरासर गलत हैं। अभी जुर्म साबित ही नहीं हुआ लेकिन मीडिया ट्रायल ने एलविश यादव को गुनहगार मान लिया। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों लोग दोस्तों क्रिमिनल के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करते जिस तरीके से एलविश यादव के माता पिता के साथ किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एलविश यादव के माता पिता को दोस्तों ये दोस्तों बात सबूत दे रहे हैं कि आपका बेटा मुजरिम है। इस तरीके के घटिया सवाल करना कि आपका बेटा इतने पैसे कहाँ से लाता है और ये सभी साफ बेस कर लाता है, इस तरीके के घटिया इल्ज़ाम लगाना जो कि बिल्कुल भी गलत है। साथ ही लिखते हैं, जस्टिस फॉर एलविश यादव। जी हाँ, इस तरीके से लिखना दोस्तों विकास दिव्य कीर्ति सर का, जो कि दोस्तों बहुत मायने रखता है एलविश यादव पर। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों शिक्षा जगत के पितामह कहे जाते हैं आज के समय में विकास दिव्य कीर्ति, और एलविश यादव के माता पिता के सपोर्ट में आए हैं विकास दिव्य कीर्ति। बाकी इस पर आपका क्या कहना, मेरा मानना कि उनके घर में इस तरीके की सवाल, ऐसी ज़्यादा परेशानियाँ और उन पर दोस्तों इस तरीके से सवाल करना, दबाव डालना। जी आपको पता है कि उनको पूछना कि आपके घर में इतना पैसा कहाँ आता है, कितनी कारें हैं। जी हम बात करें तो कई सारे यूट्यूबर हैं, उनके पास 10-10, 15-15 कारें हैं और वो दोस्तों 1-1 करोड़ रुपये महीना यूट्यूब के कमाते हैं, तो इसमें कोई गलती तो नहीं है, वो अपनी मेहनत से कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ कहेंगे कि इतने रुपये थोड़ी मिलते यूट्यूबर के। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर की बात करें तो इससे भी कई ज़्यादा पैसा मिलता है एक मंथ का। जी हाँ दोस्तों, बात करें सौरव जोशी ने दोस्तों अपनी अर्निंग दिखाई थी, वहाँ पर दोस्तों 1 करोड़ उनके सिर्फ यूट्यूब अर्निंग से मिला था। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूट्यूबर कितने कमाते हैं। क्यों दोस्तों इतने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इस तरीके से करना कि आपके पास इतनी गाड़ियाँ कहाँ आई, इतने घर कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, एलविश यादव की इनकम की बात करें तो उनके पास इंस्टाग्राम पर प्रमोशन आते हैं, क्योंकि दोस्तों बिग बॉस OTT2 की विनर है, और बिग बॉस 2 विनर जो बात करें, बिग बॉस OTT2 सबसे ज़्यादा प्रचलित OTT सोहा। जहाँ इस तरीके के दोस्तों सवाल पूछना एक तरीके से सेम फूल है। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हर अपडेट पाने के लिए।